देखिए, एक शब्द है इंग्लिश में फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन। तो स्टूडेंट, मैं फॉरगॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि फॉरगॉटन शब्द जो है मूल रूप से फॉरगेट से बना है, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है, अर्थ होता है भूलना, बिसारना, भूल जाना। उसी से बना है फॉरगॉटन, जो कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। देखिए, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दो तरह से हम प्रयोग करते हैं, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, या फॉरगेट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। तो फॉरगॉटन वही वाला फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म है। तो फॉरगेट का मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि भूल जाना, भूलना, फरामोश करना। लेकिन फॉरगेटन का मतलब होगा, अर्थ होगा फरामोश किया, याद ना रखा, याद ना किया, भूल गया, भूल गए, भूल गई, भुला दिया, भुला दिए, भूल चुका था, भूल चुके थे, भूल चुकी थी, मतलब फॉरगेटन है भाई, इससे पहले लगेगा भूल चुका था, भूल चुके थे के लिए। अच्छा, इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं, अनरिमेम्बर्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम द माइंड, इग्नोर्ड, मिस्ड, डिसरिगार्डेड, नेग्लेक्टेड, ओवरलुक्ड, स्किप्ड एंड इटीसी। मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फॉरगॉटन के। अब एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे, इट इज अ सीन नेवर टू बी फॉरगेटन, यह कभी ना भूलने वाला दृश्य है। तो सीन का मतलब दृश्य। दूसरा एग्जाम्पल है, आफ्टर योर डेथ यू विल बी फॉरगेटन, आपकी मृत्यु के बाद आपको भुला दिया जाएगा। तो सिर्फ आपकी आंखें बंद होने की देर है, लोग आपको भूल जाएंगे, तो यू विल बी फॉरगॉटन, आपको भुला दिया जाएगा, यू विल नॉट बी रिमेंबर्ड, आपको याद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एजुकेयर डेस्क।